हेलो। हेलो हाँ सर, बात। जी। हाँ जी। जी क्या कहते हैं, आपका जो बात हो रही थी ना, फ्रूट्स आजकल कितना खा रहे हैं? नॉर्मल है सर, ब्रेकफास्ट के साथ जो खाते हाँ जी हैं, ब्रेकफास्ट के साथ खाते हैं सर, एक्चुअली। फ्रूट्स बिल्कुल बंद कर दो, और फ्रूट्स के साथ जो आयरन वाली चीजें होती है ना, वो सारी बंद कर दो। इन द सेंस, जैसे आयरन वाली चीजों में मतलब कैसे मतलब जैसे? आयरन वाला बीट रूट वगैरह तो नहीं खाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाते। कोई और रेड रेड फ्रूट्स में कुछ आता हो, गाजर वगैरह? पपीता और अमरूद, पपीता। मैं चेक कर लेता हूँ, और भी जो फ्रूट्स हो ना, वो एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और फ्रूट्स उनके करीब करीब बंद ही करा दो सर, सारे के सारे बंद करा दो। सर, ये जो बेसिक हीमोग्लोबिन वाला है, ये कुछ कंसर्न है क्या बड़ा? हाँ, कंसर्न है ना आपको, मैंने भेजा ना स्क्रीनशॉट्स। हाँ, लेकिन सर उसमें से मैंने पूछा उनसे, तो बोल रहे हैं कि ये जो सिम्टम तुम ये जो बताए गए हैं, वो सिम्टम्स मुझे बिल्कुल नहीं है इनमें से एक भी नहीं सिम्टम। नहीं पाँव भारी हो रहे ना, हाँ, पाँव भारी है तो वो स्वेलिंग आ रहा है ना उसमें, और अभी आपका और स्वेलिंग हीमोग्लोबिन जैसा नहीं है, स्वेलिंग जैसा कुछ नहीं है सर। बेसिकली। पर आप ये समझो कि ये मैंने अभी पढ़ के नहीं बताया आपको, हाँ? ये मैंने अभी पढ़ के नहीं बताया। हीमोग्लोबिन ज्यादा होने से प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छा, और ओके, सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, ओके। हाँ सो द बेसिक कंसर्न इज कि आपका रेफरेंस रेंज जहां से भी आपने कराया 14-18 दिखा रहा है, ज्यादातर बाकी जगह 16 तक दिखाता है, 18 तक नहीं दिखाता। अच्छा, और अगर हम ओके, 14-16 भी मान लें कि उसके पास जो मशीन हैं उसके हिसाब से वो 14-18 ही लेके चलता है, तो भी इट इज क्लोज टू 18 ओनली, 17.9 ऐसे करके ना, तो इट्स ऑलमोस्ट 18। तो अगर रेंज से बाहर नहीं भी है तो हायर साइड में है उसके, और एकदम क्लोज टू द बॉर्डर है। तो अगर आप ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा भी हैवी है, तो उस थोड़े से का इफेक्ट आ रहा हो सकता है, तो आप महीने 2 महीने के लिए फ्रूट्स बिल्कुल बंद करा दीजिए, और उससे आपको पता चल जाएगा। और दूसरा चीज होता है कि आपके खाने में भी कुछ आइटम्स में आयरन होता है, तो अगर कोई कॉपर वेसल में पानी पीते हैं वो भी बंद करा दीजिए। वैसे तो आई डोंट बिलीव इन कॉपर वेसल वगैरह, तो बट अगर आप आयरन के कॉन्टेक्स्ट में पूछें, क्योंकि एचबी बढ़ता है मेनली अगर आयरन का शॉर्टेज हो या आयरन एक्सेस हो तो बढ़ेगा। शॉर्टेज होगा तो एनीमिया हो जाएगा, और एक्सेस होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप वो करेंगे तो फ्लूइड भी उनका कुछ कम हो जाएगा। आई डोंट नो, अब जैसे आप पहले बता रहे, पहले सर, तो हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, मतलब इसका आपने कुछ बोला लंग्स के साथ कुछ कनेक्शन है बोल रहे? हाँ, मतलब लंग्स मतलब ब्लड जो है उसको ऑक्सीजनेट तो लंग्स ही करते हैं, तो लंग के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो लंग्स का भी डर रहता है कुछ गड़बड़ करने का। अच्छा, ओके। तो उसमें लंग कैंसर में भी वो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इट इज स्टिल नॉट वेरी हाई, रेंज से बाहर जाने पर ही शायद होता होगा, बट स्टिल थोड़े से सिम्टम आए, उसको अभी से मैनेज कर लीजिए, फ्रूट्स एकदम बंद कर दीजिए। फ्रूट्स हो गया, और मैं मतलब आप उनका डाइट उसमें एक बार चेक करके बताइए कि क्या क्या लेते हैं। तो जो भी चीज लेते ठीक हैं, है, जैसे सर्दी में भी लेते हैं, सर्दी का भी करिए, क्योंकि सर्दी में भी बढ़ेगा तो भी होगा, अभी सर्दी भी आएगी 2-3 महीने में, तो फॉर द टाइमिंग फ्रूट्स वन, और जो भी लेमन का होता है, क्या बोलते हैं, विटामिन सी वाली चीज, वो हाँ, भी बंद। वो तो पीते ही थे, लेमन का जो वो होता है ना, नींबू पानी, हाँ, वो बंद वो करा दीजिए, तो। क्योंकि अच्छा, तो नींबू नींबू पानी से भी बढ़ता है क्या सर आयरन? सर आयरन, नींबू पानी, विटामिन सी हर चीज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो उससे दिक्कत आती आती है। नींबू पानी में भी बहुत से लोगों को रेगुलर दिक्कत आती है, तो यूजली जब भी लोग बोलते हैं कि वो वेट लॉस के लिए किसी चीज के लिए रोज लेते हैं, एंड देयर इज एनी प्रॉब्लम, बेसिकली क्या है कि आप रोज जो भी चीज लेते हो, हाँ सर, मैं ये बता रहा, नींबू पानी में शहद मिला के। दैट हार्डली मैटर्स। शहद में एक बार चेक करना पड़ेगा कि आयरन होता है कि नहीं होता, और फिर अगर आप मतलब किसी भी विटामिन सी वाली चीज के साथ आयरन वाली चीज खाएंगे, जैसे अगर गाजर खा रहे हैं उसमें डाल लिया, गाजर का जूस पी रहे हैं उसमें नींबू डाल लिया, तो इसी तरीके से रेडिश जो होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रेडिश जो सर, सलाद होती है। ये ना पिछले, अभी इस साल तो नहीं खाया उन्होंने, लेकिन पिछले साल तक ये रोज थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते थे। गुड़ का मुझे नहीं पता आयरन होता है कि नहीं होता, हाँ, बट आयरन तो होता है उसमें, गुड़ में बेसिकली बहुत हाँ, आयरन होता तो है। वो सारी चीजें बंद करा दीजिए, सो दैट इनका हीमोग्लोबिन जो है 16 के आसपास ले आइए, तो अच्छा, ये सारे के सारे इश्यूज अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक ओके, ठीक है। है ना। और वैसे ही आप 15 दिन के लिए फ्रूट्स बंद कराइए, तो आपका पैर अगर ठीक होने लग गया तो उनको अपने समझ आएगा। 7 दिन भी बंद कराएंगे तो भी हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बना कर दीजिए। विटामिन सी भी नहीं लेना, कोई सलाद नहीं लेना, कोई फ्रूट नहीं लेना,
इट इज अ मैटर ऑफ 7 days, अगर 7 दिन में उनको आराम मिलने लगता है देन ही हैज टू टेक अ कॉल ना. ओके ओके ठीक. तो अभी तो भाई चांस आपने आपसे मांगा नहीं था, मैंने आपने भेज दिया, अदरवाइज हम भी ढूंढते रहते क्या प्रॉब्लम है. तो सर ये जो पांव भारी हो रहा है इसका ये बेसिकली हीमोग्लोबिन से कनेक्शन है बेसिकली. मोस्ट लाइकली मुझे वही समझ आता है. क्रिएटिनिन वैसे मैंने नजर नहीं मारा, मेरा पहले हीमोग्लोबिन. क्रिएटिनिन कितना आ रहा है? नहीं नहीं क्रिएटिनिन तो है नहीं सर, वो रेंज के भीतर 1 है. अच्छा 1 है तो वो भी कम हो जाएगा अगर वो भी अगर रेंज तो 0.7 से शुरू होती है ना, तो अगर 1 भी है तो इट इज ऑन द हाई साइड. अगर आजकल 1.1 आता है कुछ में, कई जगह 1.2 आता है, कहीं 1.3 आता है, मतलब जो नॉर्मल रेंज होती है. तो अगर 1.3 वाला रेफरेंस रेंज है और 1 आ रहा है तो ठीक है, पर अगर 1.1 वाला रेंज है तो 1 है तो थोड़ा हायर साइड में 0.9 0.8 हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. पर एनीवे वो आज की डेट का कंसर्न वो नहीं है, आज की डेट का मोस्ट लाइकली कंसर्न इज दिस ओनली. सर इसमें जो अभी बीपी का जो है वो तो आपने बोला कि इतना कंसर्न वाली बात नहीं है, जो 95-160 आ रहा है. ओके तो अभी जो एक्शन आइटम उनका है वो तो वॉक एंड रेस्ट ही है बेसिकली, वो कर रहे हैं 30-30-30 के हिसाब से. हाँ वो कर दे, फ्रूट्स बंद करा दे, उठते ही कर रहे हैं 30 मिनट्स. हाँ, फिर लंच के बाद और फिर डिनर के बाद. ठीक है वो सारा जो आपने भेजा वो ठीक है, बस फ्रूट्स कम्प्लीटली बंद करा दीजिए, और खासकर फ्रूट्स वेजिटेबल में जो भी रेड हो, चीज रेड वाली में आयरन होता है खूब होता है. अच्छा ओके. बाकी चिकन वगैरह में नहीं होता, अगर नॉनवेज में मटन खाते हैं तो मटन बंद करा दीजिए. नहीं नहीं वो नहीं खाते, वो कभी अंडे वगैरह खाते हैं सर. अंडे अंडे में देखना पड़ेगा आयरन होता है कि नहीं होता. अच्छा ओके. क्योंकि अंडे में बेसिकली उस दिन हम खा रहे थे ना वो, तो उसमें ये आ रहा था कि जो भी रेड चीज होती है उसमें आयरन होता है, बात हो रही थी घर में. अच्छा तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान था. तो इस तरीके से गाजर वाजर में भी होगा और भी कुछ चीजें रेड होगी तो उसमें होगा. ठीक है सर. तो ये मतलब एक तरीके से ये आयरन के रिच फूड्स को एलिमिनेट करना एक काम, और अपना एग्जिस्टिंग जो रूटीन है 30-30-30 मिनट्स का जो वॉक एंड रेस्ट है उसको चालू रखना. मॉर्निंग का मॉर्निंग में खाली पेट पानी नहीं पीना, नींबू पानी वगैरह नहीं पीना. और वैसे पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं पानी, प्लेन पानी. Sorry. अगर वैसे प्लेन पानी पीना चाहते हैं एक गिलास तो पी सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारा सिस्टम वही ना, एक गिलास खाने से पहले एक गिलास खाने के साथ. हाँ. तो एक गिलास पहले अगर सुबह उठते ही पीना चाहते हैं तो यू कैन टेक, पर उसके लिए नींबू वगैरह और वो सब डालने की जरूरत है. नींबू और वो क्या नाम है इस दिन शहद वगैरह. नहीं सर आपने बोला था ना खाली पेट पानी नहीं पीना, वो तो शुरू से ही बताया गया था. नहीं वो शुरू से था, उसके बाद चेंज किया हो ना अभी, अभी तो 2 मील्स वगैरह किया. आपका वेट वगैरह का कंसर्न है आजकल? सॉरी सर आपका आवाज नहीं आ रहा था. हेलो आपका वेट का कंसर्न है, वेट कम करना चाहते हैं उनका? आपका हाँ मेरा तो कंसर्न शुरू से ही है वेट का. आज भी है वो तो. सर जो 2 मील्स पर डे का सिस्टम है ना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको फॉलो करिए, उसमें 101% का रिजल्ट है. अच्छा. और अगर किसी को भी कराना है उसको कराइए, उसमें खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है. आप फ्री जो है फ्री है कुछ भी खाने के लिए. तो ओनली कंसर्न इज कि आपको 2 बारी मील खाना है दिन में, एक 9-10 बजे और एक शाम को 6-7 बजे. अच्छा ओके. और आपको पानी भी उसी हिसाब से पीना है, 6 गिलास के आसपास. कि जैसे आपने 9 बजे लेना है तो 3 गिलास ले लिया, 1 7 बजे, 1 8 बजे, 1 9 बजे खाने के साथ. सेम चीज इवनिंग में करनी है, 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले और खाने के साथ इवनिंग में भी. तो अगर आप ये करते हैं तो इसमें आप अगर 3 बारी में मान लीजिए 10 रोटी खाते हैं तो 2 बारी में 5-5 कर लीजिए, या फिर मान लीजिए आप 7-8-9 खाते हैं तो उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिए कि बेसिकली खाना ज्यादा कम नहीं हो. कम हो तो एक तो रोटी हो जाए टोटल, तो कोई बात नहीं. अगर कोई मतलब जैसे किसी का 10 का है आइडिया तो 4 खा लेगा, 4-4-8 हो जाएगा तो सिग्निफिकेंट नहीं चेंज आएगा. उसका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा, बाकी सब चीजें मेंटेन रहेगा, पर उसका मेटाबॉलिक रेट काफी शूट अप कर जाएगा और उसका जो वेट है वो कम होगा और वो सस्टेन भी होगा. एक तो होता है ना आपका कम हुआ फिर बढ़ गया, कुछ टाइम तो आपको उसके बाद करना पड़ेगा, पर एक बार आपका प्रॉपर राइट वेट तक आप मेहनत कर लें कि जैसे मान लीजिए आपका पूरा जो परफेक्ट है वो 20 किलो कम होना चाहिए, तो 10 महीने परफेक्ट कर लीजिए तो मतलब 2 kg पर मंथ इज ऑलमोस्ट गारंटीड. ओके. और वो एकदम स्टेबल रहेगा. और उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप जितना जब तक नॉर्मल पर नहीं आ जाए तब तक इसको फॉलो करते रहिए. जिस दिन नॉर्मल पर आ जाए उस दिन छोड़ दीजिए, और एवरी 2 मंथ्स के बाद में 1 महीना वो रख लीजिए जिसमें आप उसको मेंटेन करेंगे, उसको और रिड्यूस मतलब उस जैसे आपने 2 महीने किया 4 किलो वेट कम हो गया तो उसके बाद उसको सस्टेन कर लीजिए. फिर उसका तो इसका रिजल्ट लोगों का एवरेज वेट कितना बोल रहा है, कम हो रहा है लोगों का? 2-3 किलो 2-3 किलो पर मंथ. अच्छा
और ज्यादा भी विथ नो वीकनेस सर, एनर्जी लेवल शूट्स अप और दिस इज द मोस्ट हेल्दी थिंग बिकॉज इसमें आपका खाने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है और एक्सरसाइज का भी नहीं है. एक्सरसाइज का वॉक एंड रेस्ट ऐसी करना है बस, तो 15-20 बारी के आसपास एक दिन में, जैसे आपके फादर का बताया कर रहे हैं ऑलमोस्ट उतने के आसपास ही उतना काफी है, तो उससे आपका वेट काफी अच्छे से कम होगा. और कोई भी प्रॉब्लम होती है, अभी जैसे एक कोई फोन आया था, वो कहते जी आपका ब्लॉग वगैरह देख के हमने फॉलो करना शुरू किया 5-6 महीने से, तो एनर्जी लेवल वाज अप, उनके बाल झड़ने का था, बाल में तेल लगाते थे, तेल लगाना बंद कर दिया, बाल झड़ने कम बंद हो गए, फिर डेंडर वगैरह क्या कर, वो टू मील से डे दे रहे थे. हाँ, 2 मील्स पर आ गए थे पिछले 3-4 महीने से. तो 2 मील्स डे और क्या कर रहे थे, वॉकिंग रेस्ट कर रहे थे. वॉकिंग रेस्ट कर रहे थे बस, ये 2 चीजें किया था, तो उनको प्रॉब्लम था सोरेसिस का, सर में काफी स्काल्प वगैरह में काफी लेयर्स वगैरह थी, तो उसके बाद बोलते उनका लेयर्स का लेयर्स उतरने लगा और तेल लगाते थे तो तेल बंद करा दिया. बेसिकली जो लोगों का तेल का कंसेप्ट था, वो तेल का कंसेप्ट सीम्स टू बी टोटली रॉन्ग. तेल की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और फायदा 1% नहीं होता बालों के लिए. बच्चों को तो इतना तेल लगाया जाता है, मतलब कोई हिसाब नहीं है सर. देखो, जब तेल लगाएंगे तो नेचुरल ऑयल नहीं निकलेगा, वो नेचुरल ऑयल ही डेंड्रफ का फॉर्म लेता है बाद में. जब आपका तेल नहीं निकलता तो अंदर स्काल्प के अंदर बड़ा बड़ा सूखता रहता है और वो लेयर्स बन जाती है उसकी डेंड्रफ की, फिर वो ऊपर ऊपर का लेयर्स निकलता रहता है आपका, और फिर उसके बाद जब वो उसको नीचे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जब वो तेल की जब आपकी लेयर्स बन जाती है, तो जो भी न्यूट्रिएंट या कलर के लिए जो भी चीजें आनी होती है वो ऊपर नहीं जाता बालों तक, तो उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन होने लगता है और वो सब होता है. और अगर आप ये बाबा रामदेव ने बेवकूफ बनाया हुआ लोगों को नाखून घिसते रहो, नाखून से कुछ नहीं होता, जो नाखून आप घिसने की कोशिश करें उससे आधा टाइम आप बालों में फिंगर टिप से मालिश कर लो, वो ज्यादा इफेक्टिव है. तो ये है, और इसका मतलब इसका रिजल्ट आपके बाल काले होने में भी है और क्वालिटी ऑफ बाल का जो हेल्थ है वो भी है. जिसके भी बाल झड़ते हैं, जैसे दिस गाय सेड कि जब भी मैं सुबह उठता था सारे बिस्तर पर बाल ही बाल होते थे, इज नाउ एक भी नहीं है, तो बाल झड़ना बंद. काले होने तो साइंस तो इसको इम्पॉसिबल मानता है सर. इम्पॉसिबल गलत मानता है ना. आप ये बताओ कि आपके जब जिस उम्र में आपके सर के बाल सफेद होने शुरू होते हैं, उस समय आपके कानों से और नाक से बाल निकलना शुरू हो जाता है, वो काले होते हैं. तो इसका मतलब जो मटेरियल काला करता है ऊपर नहीं पहुंच रहा, नीचे ही अटक जाता है. इसका मतलब तो ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ है, तो ब्लड सर्कुलेशन आप फिंगर टिप से मालिश करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव कर जाएगा और डेंड्रफ भी खत्म हो जाएगा और बस फर्स्ट क्लास हो गए. दो चीजें होती है आपके बाल काले. ठीक है, मेरी डॉटर, हमारे घर में बच्चे हमारे मेरे बहुत अगेंस्ट बोलते हैं. मेरी डॉटर का बोलना है 20-25% हो गए पिछले 2-3 महीने में. क्या हो गया? काले. अच्छा, ओके. तो आई बिलीव कि दिस इज पॉसिबल काले होना. नहीं, पर आपकी डॉटर की कुछ मेरे बाल मेरे तो सारे सफेद है ना. हाँ, तो आपके फर्क पड़ा है, वो कह रही है. शी सेज दैट की पड़ा है. मुझे भी लग रहा है कि फर्क पड़ा है, क्योंकि बीच में पिछले अगर जब तक मैंने 4-5 महीने पहले शुरू किया था, उस समय मेरे ऑलमोस्ट एक भी बाल नहीं था ब्लैक. तो अब वो झुंड में भी आते हैं, 8-10 बाल इकट्ठे भी यहाँ पर काले. इट इज नॉट कुछ होता ना, एक आधा बाल कहीं से निकल आया, तो इट्स नॉट लाइक दैट. वो थ्रू आउट द, और उसमें कंसेप्ट ये है, उसको ठीक से खुद ही नहीं कर पा रहा कुछ प्रायर एंगेजमेंट वगैरह की वजह से. तो इसमें आपने क्या, मतलब इसमें रेजिम क्या है कि बस हाथ से मसाज करना है या कुछ? फिंगर टिप से हल्का हल्का मसाज करना है, जितना अभी डेंड्रफ है उसको निकालते रहो, मसाज करते हो सर को, थोड़ा झुका के रखो ताकि फिंगर टिप सर में ना जमा हो. दूसरा, तेल वेल नहीं लगाना. चौथा, दिन में 4-5 बार इसको पानी से धो, और पानी से धोने के बाद हल्के से टॉवल से मसाज कर लो 1-2 मिनट. तो बेसिकली जो डेंड्रफ स्काल्प के ऊपर चिपका हुआ है या अंदर है, हमें उसको धीरे धीरे सॉफ्टन करके बाहर खींच रहे हैं. और जैसे जैसे वो बाहर आता रहेगा, आपके बाल नेचुरल होते रहेंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे. और उसके इस चीज को छोड़ के आप दुनिया का कुछ भी इस्तेमाल कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला. एक चीज है जिसमें जो कि साइंटिफिकली भी अभी लोगों को उसका रिजल्ट मिला है. क्या? एक डर्मा रोलर करके होता है, डर्मा रोलर. अच्छा. वो क्या होता है, छोटी छोटी नीडल्स रहती है. हाँ. वो घुमाते हैं सिर के स्काल के ऊपर. तो जब वो घुमाया जाता है ना, तो उससे जब जैसे उस नीडल्स को, जैसे रोलर रहता है उसमें नीडल्स लगी रहती हैं, तो अगर उसको घुमाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन दिखता है कि पूरी स्काल्प रेड हो गई है. तो अगर इसको हफ्ते में एक बार किया जाए, ओके, वीकली वंस, और तो कई लोगों के विद इन 6 मंथ्स
कितने मंथ कितने मंथ? कुछ लोगों के 6 मंथ, कुछ लोगों के 5 to 6 मंथ. ओके. इट यू नो जिनके जिनको सपोज बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है, रीग्रोथ हुआ है हेयर्स में, तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट भी वैसा ही है जैसा आप बोल रहे हैं. मतलब मुझे तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है. इसमें मैंने बोला एक एक मिनट के लिए आपको मसाज करना है. आप जहां पर भी थोड़ा सा भी ज्यादा लगा देते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है. अगर आप कहते हैं कि वो निडल जो होती है उससे ब्लीडिंग हो जाती है, लाल भी हो जाता है. लाल इज ऑल्सो इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स विच इज वेरी थिन. तो इन सबको हम इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. और इन्फ्लेमेशन बनने के बाद जो भी चीज होगा वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा. अच्छा. वो वहीं रहते रहते भी खत्म हो सकता है. देखिए इन्फ्लेमेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन्फ्लेमेशन अगर आप कंसेप्ट को समझ लेंगे, ज्यादा इन्फ्लेमेशन होते ही बीमारी है और कम इन्फ्लेमेशन होते ही. उसमें स्टेप कैसा है सर? वीकली एक ही बार करना है सर. आप वीकली एक भी बार करेंगे उसमें दूसरा कंसेप्ट भी होता है. एक कंसेप्ट है कि आपको जहां पर भी सर्जरी होगी, जहां भी कट लगेगा, जहां पर भी आप स्किन को ब्लीड कराएंगे, वो स्कार टिश्यूज बनेंगे, उसमें नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन नहीं आएगा कभी भी. वहां इन्फ्लेम हो गए, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा. तो लॉन्ग रन की बात करें, हो सकता है थोड़ा सा टेम्परेरी किसी को मिल भी जाए, हो सकता है किसी कम एज हो तो उसको प्रॉपर भी मिल जाए. बट आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स, बिकॉज उसका जो बेसिकली लाल होना इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑफ इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, और जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हुई. अच्छा. सो आई विल नॉट फेवर दैट पार्ट, क्योंकि इन्फ्लेमेशन मतलब जिसको इन्फ्लेमेशन समझ में आता है वो ये चीज नहीं रिकमेंड करेगा. इन्फ्लेमेशन और स्कार टिश्यू का क्या सिस्टम होता है? स्कार टिश्यू के बाद उसमें स्कार में उसमें एक चीज है, मैं बता रहा हूँ. जब वो डर्मारोल करते हैं लोग वंस, तो उसके बाद करीब जैसे संडे को कर लिया एग्जांपल, तो अब अगले संडे करना है, तो बीच में तो गैप है ना, एक 7 डेज का. इस गैप में लोगों को डैंड्रफ के प्रॉब्लम बहुत होते हैं. तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम इसलिए होता है ना कि जहां पर भी रोलर ने पंचर किया, जहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया, तो उन पंचर के थ्रू आपका डैंड्रफ पूरा निकल गया. अगर आप उसको करते रहेंगे तो अब जो हमारा सिस्टम है उसमें तो बहुत धीरे धीरे निकलता है, परंतु उसमें क्या है कि वो डैमेज नहीं होता लॉन्ग रन का. और वन कैन होप अगर थोड़ा सा, अब जैसे हम तो हमारे बाल कम हो गए, डेंसिटी काफी कम हो गई है, तो अब अगर मैं करूंगा, मतलब मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक लॉन्ग रन में इट कैन हार्म. अदरवाइज ऑल्सो आपके पिंस हैं, आई डोंट नो पिंस कितने अंदर जाते हैं, कितने नहीं, कितना रेड होता है, बट मेरे हिसाब से ब्लड सर्कुलेशन में जब तक आपका एनर्जी लेवल नहीं बढ़ रहा तो वो सारे टेम्परेरी है. जब तक आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा वो सब टेम्परेरी है. तो आई स्टिल बिलीव कि वो जो वॉक एंड रेस्ट और ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, दिस एट सम पॉइंट मतलब किसी ना किसी फॉर्म में हर एक चीज से सुपीरियर है. आपने कितने लोगों से मिल चुके हो 5-6 महीने में जिनका थोड़ा सा हुआ है काले वाले या नहीं? वैसा तो कुछ मैंने मिला नहीं हूँ किसी से. सर ये सारे के सारे टेस्टिमोनियल्स नकली होते हैं. अच्छा. मैं आपको सिंपल सी एक बात पहले पता नहीं शेयर की नहीं की कि मैं एक बार ना चैनल के मूड में था, देखो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है. आपने बताया, आपने बताया सर वो जो डायबिटीज वाला ना, जो जो हाँ डायबिटीज या अदरवाइज जो टीवी के ऊपर नहीं आता प्रोग्राम, कि आपने कोई टीवी चैनल ले लिया रोज का एक महीने के प्रोग्राम का, और उसके बाद आपके वो चलते हैं नीचे स्क्रॉल, वो आपका एडवर्टाइजमेंट है, आप वो एडवर्टाइजमेंट बुक कर सकते हैं प्रैक्टिकली. सो हमारा वो प्रोग्राम बना, वो जिसका चैनल था जिसने सब करना था उसका डिफरेंट सिस्टम था, उसने किसी से इंट्रोड्यूस करा दिया, उसने मना कर दिया, बैकआउट कर दिया. बेसिकली यही होता है. अच्छा. तो अगर बैकआउट नहीं करते तो ठीक रहता. तो सर ये जो नहीं, अच्छा मैं वहां पर दूसरी चीज बता, जब मैं चैनल वाले से बात करने का 5.5 लाख रुपए मांग रहे थे, एंड रिसेंट की आपके टेस्टिमोनियल्स वाले जो लोग होंगे वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, क्रिएट कर लेंगे. हाँ प्रोवाइड कर लेंगे, बताया था आपने. हाँ अच्छा अच्छा. तो ये टेस्टिमोनियल मतलब जो इंटरनेट पे भी, वो भी एक तरीके से फेक ही होना चाहिए. वो सारे फेक होते हैं, बल्कि लोग तो इस चक्कर में मुझे भी फेक बोलते हैं, बट यू नो एक्चुअल क्या है. और वैसे भी अगर हमारे फेक कैसे होते, अगर हमें फेक ही करना होता तो हम आज की डेट में वीडियो कॉल्स भी होती है, सब कुछ होता है, वो नहीं करते. ज्यादातर लोग वीडियो कॉल्स में हेजिटेट करते हैं, वो बातचीत करने में तो फिर भी नेचुरल हो जाता है. राइट 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 राइट. मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा. अगर आप इनके फ्रूट बंद कराओ ना, तो वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फ्रूट्स इन एचपी ऑल्सो रेगुलेशन. तो आप 15-20 महीने में भी आप दोबारा कराएंगे तो अगर एचपी अगर 1% 1 पॉइंट भी गिर गया और अगर इनकी प्रॉब्लम ठीक होगी तो दिस विल अप्लाई टू एवरीबडी. मतलब एक तरीके से फ्रूट एंड ऑल काइंड ऑफ आयरन रिच फूड्स. हाँ तो इससे दूसरा ये होगा कि इसी को रिवर्स करके हम लोगों का अनिमिया भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अनिमिया ठीक करना इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. मेरे कुछ पेशेंट्स हैं लड़कियां,
तो उनको एक्जिमा या कोई प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं कि जब शुरू करते हैं जब भी तो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद फिर दोबारा से हो जाता है दो चार दिन के बाद। तो अल्टीमेटली जो उसका स्टडी करने की कोशिश करी तो दो जने जो थे जो रिपोर्ट नेगेटिव दे रहे थे उनका ये था कि जी हमें दोबारा से हो रहा है। तो पता किया तो वही निकला कि फिर क्या कहते हैं इन्होंने एक तो बेच दिया इन द सेंस क्या, मैं थोड़ा डाउजी हो रहा हूँ सॉरी क्या बोल रहा था सर, आपको केस बता रहे थे बेच दिया क्या कुछ बेच दिया आपने बोला। हाँ वो गलत बोल दिया कुछ मैं एक्चुअली लेटा हुआ था तो मैं बीच बीच में ड्रॉजी हो रहा था तो मेरे कुछ ऐसे ही निकल रहा था तो मैं इसलिए मैंने कहा थोड़ा वॉकिंग डस्ट कर लेता हूँ इसलिए होश आया। मुझे बताइए कि इसमें आयरन रिच फूड्स जो है वो टोटली हाँ हाँ सॉरी मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों को अनीमिया की प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, उनको दोबारा हो जाता है, चार दिन में हुआ ठीक हो गए उसके बाद फिर दोबारा से शुरू हो जाता था। एनीमिया में तो सर आयरन रिच फूड खाने को बोला जाता है क्या? हाँ तो जब इनको जिनको एचबी ज्यादा है उसको कम करेंगे तो अगर फ्रूट कम करने से होता है तो इसका मतलब फ्रूट ज्यादा बढ़ाने से हो भी सकता है ठीक। सिर्फ इनका तो ओवरऑल अगर कोई आयरन रिच फ्रूट नहीं भी है ओवरऑल फ्रूट इनटेक भी ज्यादा है तो उससे भी आइडिया लग जाएगी, अगर ओवरऑल फ्रूट इनटेक की कमी ज्यादा करें आयरन को ना भी फोकस करें क्योंकि आयरन को ज्यादा देने से ना आपकी बॉडी जो एक्सेप्ट नहीं करती तो इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है तो उससे पेट का वैसे ही सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए किसी को एनीमिया है आपने उसको बोल दिया आयरन ले ले उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सर एनीमिया वाले पर्सन को कैसे ट्रीट करना चाहिए किसी को एनीमिया? वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अब इनका ज्यादा है, अब अगर हम फ्रूट कम करते हैं फ्रूट कम करने से एचबी कम हो जाता है तो एचबी में एनीमिया में वही तो होता है ना कि आपका एचबी कम होता है तो अगर इस तरीके से कम हो सकता है फ्रूट से तो हमें आयरन देने की जरूरत नहीं है ना उनको, फिर फ्रूट ही देंगे। लेकिन लेकिन सर एक मुझे बताइए कि जैसे हमारा कोर कंसेप्ट क्या है कि जो भी मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं बॉडी में वो सारे रेगुलेट होते हैं हाँ, अपने आप से ऑटोमेटिक रेगुलेट होते हैं 66%। हाँ तो वो जो रेगुलेशन है तो आयरन भी वैसा ही रेगुलेट होता है राइट सर? वैसा होता होगा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आयरन को जिसका आयरन कम है एचबी कम है उसको हम आयरन ही दे दें अगर तो वो ऑटोमेटिक रेगुलेशन में हेल्प नहीं करेगा ना फिर वो क्योंकि अगर वो दूसरी चीजों की हेल्प से भी बनता है तो वो दूसरी चीजें कर रहे क्योंकि आयरन अगर आप ज्यादा दे रहे हैं और बॉडी की उसको एसिमिलेट करने की या डाइजेस्ट करने की पावर नहीं है तो वो नुकसान दे जाता है। क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों ने बोला है कि डॉक्टर ने उसको कहा है आयरन कम है उसने आयरन सप्लीमेंट्स इसका ये भी हो सकता है सर कारण कि बॉडी खुद उसको डाउन रेगुलेट कर रही है किसी वजह से आयरन को। हाँ वैसे कह सकते हैं पर डाउन रेगुलेट करने के बाद अप रेगुलेट करने का सिस्टम क्या है? क्या सिंपल फ्रूट लेने से कोई से भी फ्रूट लेने से वो अप हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि फ्रूट भी खाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है उनको, आम खाया तो पेट खराब कुछ खाया तो पेट खराब, तो इसका मतलब है उनका तो आयरन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रहा। हमारा जो वॉक एंड रेस्ट सिस्टम है ये काम करता है, बीच बीच में तो दो दो महीने काम किया पर उसके बाद काम करने का अचानक से गिर जाता है, मतलब जैसे दो महीने सही चल गया तो उसके बाद फिर दो चार पांच दिन गड़बड़ हो गया। एंड एवरीबडी वांट्स कि वो रोज का रोज परफेक्शन होना चाहिए, उसमें खराबी होनी नहीं चाहिए कि मतलब 15 दिन में दो दिन भी खराब ना हो। और जिनका आयरन कम होता है ना उनको फिर डायरिया और ये क्रैम्प्स और ये सब शिकायतें होने लगती है, फिर उनके बाद अगर आप उसको लॉन्ग रन में देखते हैं लॉन्ग रन में इनको अगर लड़कियां होती हैं तो इनको चाइल्ड बियरिंग में भी दिक्कत आती है, बहुत प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत इश्यूज होते हैं इनके, और फिर बच्चे भी होंगे तो बच्चे भी फिर वैसे ही निकलेंगे वीक ही होंगे, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका बढ़ाया जाए किसी तरीके से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली तो ऐसा कहते हैं कि नॉर्मल अपने नॉर्मल फूड में भी काफी आयरन होता है जिसको बॉडी अपने हिसाब से एब्जॉर्ब करती है, जैसे मतलब एक तरीके से अभी जरूरी नहीं आयरन रिच फूड, जो नॉर्मल हमारे फूड में भी जितने जितना बॉडी को चाहिए उतना आयरन तो प्रेजेंट होता ही है। जैसे सर, किसी और तरीके से भी बना लेती होगी ना हमें बेसिकली जो एचबी कम होता है सिर्फ आयरन की वजह से नहीं होता, देयर अदर फैक्टर्स आल्सो। ओके, तो अगर हमारा किसी भी तरीके से आयरन बढ़ जाए सॉरी हमारा एचबी बढ़ जाए, हमें मतलब नहीं है कि आयरन से बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है, हमें सिर्फ बढ़ाने से मतलब है, क्योंकि एचबी जब बढ़ेगा ना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो हमारे सेल्स और टिश्यूज की हेल्थ अच्छी हो जाती है। जब हमारे सेल्स और टिश्यूज की हेल्थ अच्छी नहीं है, खासकर गट बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप कुछ भी लेने की कोशिश करते हो सारा का सारा फेंक देता है उठा के। आपने दो दिन सही हेल्थ हुई
तीसरे दिन फिर आपने उसको कंटिन्यू किया, खुश हो गया कि यार इससे फायदा हो रहा है, तो तीसरे दिन पता चलता है सारा कुछ उल्टा हो गया। ये प्रॉब्लम होती है। ओके गॉट इट। इसका मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हमारे दो तीन फॉर्मेट थे ना पानी पीने के, तो अब मैंने एक जने को तो बोला है कि भाई तुम एक काम करो, हर फॉर्मेट को ट्राई करो और हर फॉर्मेट को एक एक दो दिन करके ना रोज के रोज अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लो, विच इज डिफिकल्ट फॉर देम। बट एक का जैसे किसी का मैरिज का ड्यू है, तो अब उनका कंसर्न है कि मैरिज के बाद दिक्कत ना हो कोई भी, ठीक है ना। तो हो सकता है वो करा भी ले, तो टेस्टिंग में कुछ रिजल्ट निकल जाए कि हमारा पानी पीने का जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का है टू मील्स में ज्यादा फायदा होता है, या एक हमारा है कि पूरा दिन कुछ खाना पीना नहीं है उससे फायदा होता है, क्योंकि जिस दिन पूरा दिन खाते पीते नहीं उसके उसके बाद इमीडिएटली हेल्थ इंप्रूव कर जाती है। अच्छा। और वेट भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। तो दो तीन चीजें हैं उसमें ट्राई कर रहे हैं। अब मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, एक मेरी 4 साल की बेबी लड़की थी उसका प्रॉब्लम आ रही थी, उसको एक्जिमा था, तो उसके ब्लड टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट निकाली तो उसका 4 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की भी दिक्कत आ रही है, तो देवर सर्टन अदर थिंग्स जो कि रेंज के बाहर थे। सो उसका इशू यह था कि उसको एक्जिमा था बहुत सीवियर, और उसकी मदर कहती इसको मतलब ऑलमोस्ट पैदाइश ही है। तो उसके बाद में जब उनका 2 दिन के बाद 48 या 72 आवर्स के बाद की पिक्चर्स मंगाई, तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हो 60-70% रिलीफ था। ओके। उसके बाद बीच बीच में एक जैसे फेस है, फेस के ऊपर नामो निशान खत्म हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा से आ जाता है उसमें, फिर 2 महीने लगे रहे, 2 महीने के बाद फिर उनको कुछ पता नहीं क्या हुआ, मैं 2-4 दिन से मतलब 1.5-2 महीने से तो उनका कॉल नहीं आया था, तो मैंने कहा बहुत दिन हो गया अभी फीडबैक ले लूं उनको, 2-1 महीने तो मैं डेली हमारी बात होती थी, आई यूज टू शेयर वो दे यूज टू शेयर द फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट, पर 2 महीने हुए थे या शायद 1-1.5 महीना हुआ था, 1-1.5 महीने के बाद फिर वही बार बार हो रहा था। बस एक का फायदा हुआ कि डिटेरिएट नहीं हुआ, 10% 20% कुछ ना कुछ फायदा था। दूसरा चीज ये था कि उनका दवाइयों का खर्चा बच गया, डॉक्टर का खर्चा बच गया, अपॉइंटमेंट वगैरह के खर्चे बच गए, क्योंकि उनसे जितना फायदा होता था उससे तो बेटर ही होता था, हो जाता था दोबारा, बट होने का मतलब ये नहीं कि इतना ज्यादा हो जाता था कि पहले से भी ज्यादा खराब हो जाए। फिर दूसरा बच्चे का जो खाना पीना लैट्रिन पेशाब होता है वो सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग चल रहा था, ठीक चल रहा था, तो बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप ये कह सकते हो 30-40% या 50% के आसपास ओवरऑल अगर कहे महीने को लेकर चले तो महीने का रिलीफ था। तो अब फाइनल फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा था, वो मिल नहीं रहा, तो देखता हूँ 2-4 बार और कॉल करूंगा। सर बच्चा की उम्र क्या है बेसिकली? उस बच्चे की 4 साल की उम्र। और सर तो ये इनका, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपने फ्रूट वाला बोला ये पूरी तरीके से बंद करने को ना? हाँ बिल्कुल, हफ्ते 10 दिन के लिए तो पूरी तरह बंद कराओ, हो सके तो 15 दिन के बाद एक बार एचबी टेस्ट करा लेना, अगर एचबी कम हो गया और वो भी उनको एफर्ट जो लग रहा है वो भी ठीक हो गया तो वेरी गुड साइन। Okay. फिर उसके बाद उसको रेगुलेट करें, उसको 15-20 दिन महीने में चेक कराते हैं, उसको 16 के आसपास रखें, उसको ऊपर बढ़ाए नहीं, तो सम पीपल फील कि ज्यादा है तो वो अच्छा है। अच्छा अच्छा सर एक एक चीज पूछ रहा, ये इनका अभी के रिज्यूम में क्या है ना, जब सुबह उठते हैं तो उठते ही पहले तो वो नींबू पानी पीते थे, तो अभी बंद कर दिया है नींबू पानी में शहद डाल के, तो अभी क्या करते हैं वो 1 स्पून ग्लूकोज ले लेते हैं मॉर्निंग में विदाउट वाटर। क्या ले लेते हैं? 1 स्पून ग्लूकोज पाउडर। अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि उनको सुबह सुबह वो लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे नो एनर्जी लो एनर्जी, तो पीते हैं उसके बाद करते हैं वॉक एंड रेस्ट, तो वैसा ये 1 स्पून ग्लूकोज मॉर्निंग में कोई इश्यू नहीं? नहीं कोई इश्यू नहीं। अच्छा वो वैसे भी 1 स्पून ग्लूकोज ले रहे हैं तो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/4 या 1/3 ऑफ शुगर स्पून। अच्छा क्योंकि फैल जाता है ना, पतला हो जाता है वो, फैल जाता है, तो फैलने की वजह से उसमें मतलब वो ज्यादा भरता जल्दी है वो। हाँ उनका कहना है कि बाद वॉक एंड रेस्ट अच्छे से हो पाता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 स्पून शुगर भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ये 1/2 स्पून शुगर से भी कम है 1 स्पून ग्लूकोज। अच्छा ओके, तो नो इश्यूज, वो तो 2 ग्राम भी नहीं हुआ, 10 कैलोरी ही मिलती है उससे, 10 भी नहीं 8 मिलेगी। तो अभी वो मॉर्निंग का तो बंद कर दिया पूरी चीज, जो फ्रूट और बंद कराइए और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, क्योंकि फ्रूट दूसरी तरफ से वो लिक्विड भी तो सप्लाई करते हैं ना। ठीक है। और दूसरा सर ये जो हॉट वाटर बीच बीच में लेते थे वो भी बंद करने बोला? हाँ रूम टेम्परेचर आजकल वैसी गर्मी है, क्या जरूरत है गर्म करने की? नहीं नहीं सर वो जो अभी कोरोना फैड है ना, बीच बीच में पानी पीते ना, वो पहले आता था आपका कॉलर ट्यून, अब तो कॉलर ट्यून बंद हो गई।
सो आई हैड सेंट लॉट ऑफ दिस थिंग ना, और हमारे पास हमारे चैनल के ऊपर प्रूफ है उसका. अब मुझे नहीं मालूम क्यों बंद किया, पर पहले तो गर्म पानी आता था, अब तो एक भी नहीं है क्वालिटी में आती गर्म पानी की. सर उससे तो बहुत बड़ा मतलब ये लोगों ने तो ऐसे गर्म पानी करके सिर्फ मारना शुरू कर दिया था बहुत लोगों ने. अरे हॉस्पिटल्स में चल रहा था, जितने भी कोरोना के मरीज भर्ती हो रहे थे उनको 15-15 मिनट बाद दे रहे थे. एक बंदे से मेरी बात हुई थी, वो कहते जी वहाँ कुछ नहीं करते, कोई अटेंडेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, विंडो शिंडो होती है बस, आपको आप फोन करो या कुछ करो या 15-20 मिनट बाद जो भी इनका टाइम होता है उनको आपको गर्म पानी मिलता रहता है, आप सिप लेते रहो. सो अल्टीमेटली व्हाट वी वर सेइंग वाज नॉट इनकरेक्ट. मतलब इनका एक बेसिकली इश्यू तो होता है कि पानी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, सेल्स में ज्यादा हो गया, उसको निकालना है किसी तरीके से. उनको डायबिटीज नहीं हुई, वैसे तो डायबिटीज भी हो जाती है उससे, अगर नहीं हुई तो इसको किसी तरीके से निकालना है. मुझे भी कोरोना हुआ था, आपको बता चुका हूं मैं, और मेरा पानी बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, मेरा यूरिन आउटपुट और पसीना दोनों बंद हो गए थे. और आज हम गए पंखे के नीचे बैठा हूँ एंड उसी एनवायरमेंट में सब लोग बैठे हुए हैं, किसी को पसीना नहीं आ रहा और मैं बुरी तरीके से भीग रहा था. तो अब नहीं तो सर ये जो 15-15 मिनट में पानी देते हैं ये तो खराब है ना सर, ये तो बहुत ज्यादा खराब है. और वो भी अगर 3-4 लीटर दे रहे हैं कोरोना में, देखिए डिहाइड्रेट करने से ही हमारे को स्लेवा बढ़ता है, दिस इज ऑल ओवर 101% क्लियर. और जब तक स्लेवा नहीं बढ़ेगा आपका रिस्क फैक्टर बना रहेगा, प्रस्पिरेशन भी बढ़ेगा ना सर अगर हम डिहाइड्रेट करें तो. डिहाइड्रेट करने से प्रस्पिरेशन बढ़ना चाहिए, प्रस्पिरेशन पसीना नहीं, वो उसके दोनों तरफ प्रोस एंड कॉन्स होता है उसको. हमारा जो सिस्टम है ना कि कभी हाइड्रेट करो कभी डिहाइड्रेट करो, दैट इज परफेक्ट अदरवाइज, उसमें कोई खराबी नहीं है. मैंने आपको बताया ना कि मैं तो आइस कोल्ड पानी पीना शुरू कर दिया था और ऊपर से मैंने लेना शुरू कर दिया था. क्या लिया था आपने? नमकीन. हाँ, मेरा 250 ग्राम से. हाँ मतलब ये आप कह रहे हैं कि इसका इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि आपने किसी को? नहीं नहीं, अगर मेरा मानना तो ये था कि जब तक मुंह के अंदर स्लाइवा है तब तक कुछ नहीं हो सकता. और मेरे को 5-6 दिन से मुंह में स्लाइवा बिल्कुल बंद हो गया था, मेरे को बोलने में दिक्कत होने लगी, मुंह चिपकने लग गया था और पसीना सीना सब बंद हो गया था. जबकि उस समय गर्मी थी, मई का महीना था, मई 29 को हुआ है मेरे को शुरू, तो मई और जून का महीना भी पूरा रहा मेरे को एंड तक 29-30 तक पूरा महीना लगा. और पूरे महीने में गर्मी भयानक थी और यहाँ पर प्यासी नहीं लग, क्या कहते हैं, यहाँ पर वही नहीं लगा, पेशाब भी नहीं आ रहा था ज्यादा, जबकि मैं 3-3 लीटर पानी पी रहा था. और जब तक मेरे को रियलाइज तो हो गया था कि मुंह सूख रहा है तो इसका मतलब मेरा पानी ज्यादा हो गया. उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई तो फिर उसका गड़बड़ होती चली गई, फिर उसको रेगुलेट करने की कोशिश करी, फिर बस रेगुलर आप कुछ भी समझ लीजिए, फिर हुआ नहीं. फिर उसके बाद जो भी मेडिसिन ली या कुछ किया, बुखार पहले तो मैंने बुखार की दवाई भी ली ना 8-10 दिन. फीवर होता था, मैं कुछ लेता नहीं था, मैंने कई 7-10 साल हो गए थे फीवर की दवाई नहीं लेता था मैं. फिर उसके बाद जब फीवर की दवाई लेनी शुरू करी तो भयंकर ढंग से पसीना आना शुरू हुआ, फिर उसका ठीक होना शुरू हुआ. मतलब एक तरीके से फीवर की दवाई ने भी आपको डिहाइड्रेट कर दिया एक तरीके. हाँ उसने डिहाइड्रेट कर दिया, मेरा पानी का इंटेक ज्यादा होता नहीं था. यूजली कहते हैं फीवर की मेडिसिन के साथ में पानी का इंटेक बढ़ा दो, तो मेरा 1.5 लीटर से ऊपर में नहीं जाता था, 1.5 मैक्सिमम 2 ले लिया तो अगले दिन फिर मैं और कम कर देता था. उस पीरियड में भी ना हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को नहीं तो काफी हद तक फॉलो किया. बीच में तो मैंने बिल्कुल 2 दिन के लिए तो ऑलमोस्ट पानी का इंटेक वाज लेस देन 1 ग्लास पर डे. तो मैं अपने सिस्टम पर लगा रहा था अल्टीमेटली. और आज की डेट में यूरिन आउटपुट इज वेरी गुड. अगर मैं आज की डेट में 10-12 ग्लास पी लूं, 2 लीटर पी लूं, तो अगर आपको उस वक्त इतनी लो एनर्जी होगी तो थी, तो आपने वॉक एंड रेस्ट कैसे किया उस टाइम पे? बेसिकली कर भी नहीं पाएगा सर. ऐसा था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, कोरोना इज सो वेल एडवर्टाइज, क्वारंटाइन तो करना ही था. अब माई वाइफ पैनिक्स लाइक एनीथिंग. अब वहां पर ये होता था कि मैं दरवाजा खोल के अगर कुछ बोलना भी है तो दरवाजा मत खोलो, जबकि दरवाजे से कमरे में आवाज ही देनी है, कुछ भी करना है तो मोबाइल पर फोन करके बता दो. आई वॉज प्रैक्टिकली लॉक. बाथरूम हमारा अटैच्ड है, तो इस तरीके से मेरा तो बिल्कुल 24 घंटे निकलना नहीं होता था, वॉक एंड रेस्ट सोता नहीं था. तो बीच में 2 दिन के लिए गए थे, उस 2 दिन में मैंने पूरी रात वॉक एंड रेस्ट कर लिया कि मतलब पहले तो दोपहर को गए थे तो उस दिन शाम को शुरू किया था, तो मैंने अच्छे से मतलब 15-20 हजार स्टेप्स कर लिए थे मैंने. तो वीकनेस था या जैसा भी था, तो इतनी भी नहीं थी कि बहुत ज्यादा आफत आ रही हो. सर ये जो आपने बीच में 15-20 हजार स्टेप्स किए तो उसके बाद से काफी डिहाइड्रेशन हुआ रहेगा उस वक्त? नहीं, उसके बावजूद नहीं हो रहा था ना, पसीना नहीं आ रहा था. बेसिकली पसीना आ जाए, खुल के पेशाब आ जाए तो बात ही खत्म हो गई. और फिर 2-3 दिन फिर मैंने, मेरे को बोला जी आपको फीवर है, 102-103 से कम भी नहीं आ रहा था. तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यार मेडिसिन तो ले ही लेते हैं. फिर मैंने अच्छे से मेडिसिन ली, अच्छे से मतलब दिन में 2 तो हो ही जाती थी मेरी, ये पैरासीटामोल. और वो मैं 500 की ले रहा, 650 की भी ले रहा था. फिर वो उसके बाद पसीना वसीना आया, रात को मैं पंखा भी स्लो करके सोता था,
तो आधी रात को नींद खुलती थी बुरी तरीके से, दिया होता था बिस्तर, फिर धीरे धीरे करके यूरिन आउटपुट थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा स्टेबल हो गया। अभी पानी का इंटेक इज नॉर्मल, तो अभी हमें प्यास व्यास का सीन नहीं होता कुछ भी, मुंह नहीं सूखता, गर्मी तो अभी भी है, लोग तो अभी भी पी रहे हैं 4-4 लीटर। और जबकि उस समय चिल आइस कोल्ड होने के बावजूद और मेरा 2.5-3 लीटर से ऊपर चल रहा था पर डे, उसके बाद जो दिक्कत आ रही थी, तो कोरोना के लिए हमारे से ऐसा तो है ही नहीं कोई, अगर किसी को होगा भी तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मेरी डॉक्टर को हुआ, उसका पानी का इंटेक वाज नॉर्मल, बट वो ठंडा नहीं पीती थी ना, उसने वो नमकीन वगैरह खाया, तो उसको हुआ, उसका भी वीकनेस वगैरह हुई, पर वो 8-10 दिन में आराम से रिकवर कर गया। फीवर तो एक ही दिन हुआ उसको, उसने सिर्फ पैरासिटामोल ली और कोई दवाई नहीं ली। हाँ, उसको फीवर तो एक दिन में खत्म हो गया था, पर वीकनेस रही थी। तो ये कभी वो मेरे को आइडिया देती है कि 3-4 दिन में रिकवर हो गई थी, कभी कहती है कि 8-10 दिन लगे थे। वाइफ का तो होता था, वाइफ तो एक पैरासिटामोल लेती है, दोपहर को जैसे शाम को 4-5 बजे के करीब हुआ, अगले दिन सुबह तक नॉर्मल होता था। उसको 2-3 बार लेना पड़ा पैरासिटामोल, 2-3 बार फीवर हुआ, पर उसके अच्छी बात नॉर्मल। दूसरा हाइड्रोक्लोरोक्विन वो नहीं, मैंने लिया था पर इन्होंने नहीं लिया किसी ने। अच्छा अच्छा, मतलब जरूरी भी नहीं है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन लेना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। मुझे तो लगता है उसकी वैसे ही दिक्कत हुई थी, मैंने बीच में जब 5-6 दिन ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है तुम काढ़ा वाड़ा बोल रहे हो वो भी लेके देख लेता हूँ, तो मैं 2-3 दिन लिया था, उससे मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मैंने बंद कर दिया था। काढ़ा हो गया और वो जो होता है ना हल्दी डालो दूध में, नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो, हाँ मैं वो कह रहा हूँ ना, मैंने वो भी ली थी 6 दिन। अच्छा, उसकी वजह से मेरे को उसके बाद 15-18 दिन के लिए मेरे को बहुत तेजी से वर्टिगो हो गया था, मेरे को चक्कर आते थे बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे को लास्ट ऑफ मतलब मेरे इस जून के लास्ट नहीं जुलाई के लास्ट में मेरा वो, नहीं अभी तो जुलाई चल रहा है ना, तो मेरा फीवर वगैरह तो टूट गया था 12-13 तारीख को, पर मेरा वर्टिगो चलता रहा था। वर्टिगो करीब 29-30 जून को खत्म हुआ, ऑलमोस्ट पूरा ही लगा लो, फिर उसका वर्टिगो खत्म हुआ, 4-5 दिन से फिर वर्टिगो हो रहा है मेरे को। अब उतना सीवियर नहीं है, उसमें तो पूरा घूम जाता था बुरी तरीके से। अब मैं सारा अभी जैसे गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ मैं ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर अप एंड डाउन, 50 किलोमीटर, तो अब वर्टिगो नहीं है। सुबह अभी पर मैं जैसे रात को लेटता हूँ करवट बदलता हूँ, तो उस समय हल्का सा महसूस होता है वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मुझे लाइफ में कभी हुआ ही नहीं, एरोप्लेन में बैठो किसी में बैठो, ये जो वो झूले नहीं होते बड़े बड़े जाइंट व्हील जिसको बोलते हैं, तो मैं तो बिना कुछ पकड़े हुए मैं तो वैसे खड़ा हो जाऊंगा किसी भी पोजीशन में हो जाता है, मेरे को नहीं होता था दिक्कत, मेरे को मतलब वर्टिगो वाला तो सीन बिल्कुल जीरो था। और अभी भी हो रहा है, रोज के रोज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, किसी दिन ज्यादा भी हो जाता है मॉर्निंग में। मतलब जून के बाद मैं ऑलमोस्ट 20 दिन तो ठीक रहा हूँ, फिर 21 या 22 के आसपास से फिर दोबारा से शुरू हुआ है। तो मतलब ऐसे केसेस में अपना नॉर्मल जो हमारा रूटीन है उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अगर ड्रग कोई लेना है तो पैरासिटामोल इज ओके यू मीन टू से। अगर मेरे ख्याल से अगर आपका सलाइवा का इशू नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं है। मेरे ब्रदर के लड़के को भी फीवर हुआ है, तो डॉक्टर ने उसको जो उसका पड़ोस में एक डॉक्टर था जो गंगाराम में काम करता था, उसने उसको बोला कि तुम ना हर 6 घंटे में पैरासिटामोल लेते रहो। मैं तो बहुत कम लेता था, मैं तो पूरे दिन में मुश्किल से एक लेता था, फीवर हुआ खत्म उतर गया फिर मैं वेट करता था, फिर ज्यादा होता तभी लेता था। उसको बोला जो मर्जी हो तुम 6-6 घंटे बाद लेते रहो ताकि वो टूट जाए। तो वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन फॉलो कर रहा था, उसको तो डायबिटीज भी थी, और उसको बोल दिया कि पैरासिटामोल लेने के बाद तू ये और भी शायद देखा दवाई थी कोई, उसके बाद बोला कि तू 10 लीटर पानी पी रोज। वो नाना करते ही 4-5 लीटर से ऊपर पी गया, उसके मुंह में बुरी तरीके से छाले वगैरह हो गए। फिर मैंने कहा यार पानी को कम करे, बेवकूफ है इसको कुछ नहीं पता। और पर उस पीरियड में सलाइवा उसका बहुत बना हुआ था, पर मुंह में दांतों में बहुत बुरी तरह दर्द होने लगी थी। तो आज बात हुई है, आज 5वां दिन है तो काफी हद तक कम है। अच्छा, ओके। ये जो हाइड्रेशन रिहाइड्रेशन को बिना समझे बुझे वो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर देते ना कहने में सुनने में आकर, तो सर ये भी है ना सर कि इनके पास अभी इलाज भी तो नहीं है ना अभी, जो सर इलाज की जरूरत नहीं है, इलाज की जरूरत नहीं है, इलाज तो कभी होगा भी नहीं, आप सोचो भी मत कि इलाज होगा। इस दुनिया को हाइड्रेशन रिहाइड्रेशन हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले कोई, वो आज माने कल माने चाहे कुछ भी कर लो, ये आगे वाली जनरेशन के लिए बढ़िया है जो लोग बूढ़े हो गए हैं और जिन लोगों की बहुत ही इनफर्म हालत है, जो खराब है, जिनको मतलब उठ बैठ नहीं पाते, उन लोगों का अगर कुछ हो भी जाता है तो इट इज नॉट सो क्रिटिकल, पर पीपल शुड एक्सेप्ट फॉर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की छोटे बच्चों का ना हो बड़ों का ना हो। अगर कोई 80 से ऊपर है, उसको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, सारा दिन बिस्तर पर घर से नहीं निकलता, और अगर उसको कुछ हो भी जाता है तो दैट शुड नॉट बी, उसके चक्कर में सारी दुनिया का बेड़ा गर्क तो नहीं करना चाहिए ना। एक्चुअली में तो हो तो यही रहा है, 90% 80% डेथ तो नहीं की हो रही है, बाकी
मैं आपको क्या बताऊं, मतलब देर आर इंस्टेंसेस, बच्चे जो है ना, बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बुरी तरीके से गिरा हुआ है। बच्चे को आप ये समझो कि 20-20 साल के बंदों को जिनका मेटाबॉलिक रेट गिरा होता है, इनको वॉक एंड रेस्ट करने के लिए बोल दो ना, 15 बारी घंटे में एक बारी 5 मिनट चलना है, दूसरे दिन तक बैंड बज जाता है, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। सर मैंने मैक्सिमम अभी तक मैंने 2-2 घंटे तक किए हैं, दो दो तीन तीन घंटे तक, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे अभी 3 घंटे किसी दिन कर लिए मैंने, मोस्टली रात को ही, तो कभी मूड किया तो 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी कभी जब ज्यादा मूड किया तो 3 घंटा भी किया, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ऐसे 3 घंटे भी कर लिया। ऐसा नहीं है कि अभी उसके बाद नींद आती है, नींद के बाद उठने के बाद, जैसे आपका वॉक एंड रॉक के बाद सो गए, सो के उठने के बाद कभी ऐसा नहीं फील होता कि लो एनर्जी है, कभी लो एनर्जी नहीं होती, नहीं होती, कभी नहीं होती लो सर। पर कुछ लोगों का, खासकर आपको पीसीओएस का बता रहा हूँ, पीसीओएस में जो लड़कियां होती हैं उनका इतना भयंकर तरीके से मेटाबॉलिक रेट धीमा होता है, स्लो होता है, उनको पिकअप कराने में मुश्किल आ जाती है, क्योंकि एनर्जी कुछ तो चाहिए ना, और वो एक दिन भी अगर 8-10 बार भी कर लेते हैं तो जी उठा ही नहीं जा रहा। आज की डेट में तो बहुत कम ऐसे केसेस आ रहे हैं। सर इसमें तो मैं तो इसमें फॉर्मली मानता हूँ कि सर इसमें एनर्जी रिजर्व बढ़ जाते हैं। हाँ जी, करने के बाद तो हमारा एनर्जी रिजर्व बढ़ जाते हैं, तो इट शुड इसके बाद अगर लेथार्जी हो रही है, ठीक नहीं कर सकते हो आप, इसके बाद अगर लेथार्जी हो रही है तो गॉड नोज क्या रीजन है, बट नॉर्मली तो एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। सर आप एक चीज समझो, आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स का लोड है, वो कितना है? कम से कम 1200-1300 है। अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट गिर के 700-800 पर आ गया, आप उसको कैसे उठाओगे? आप एक दिन में उसको 100-150 कैलोरी तो उठा दोगे, तो 800 के ऊपर भी कर दिया तो कुछ आज वाइटल ऑर्गन एक को प्रायोरिटी मिल रही थी, कल दूसरे को मिल जाएगी, वो एनर्जी एक जगह से कम होकर दूसरी जगह हो जाती है, तो इम्बेलेंस बना रहता है। तो अभी भी शॉर्टेज तो है ना 300-400 की, तो कुछ उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, कुछ लोगों का विल पावर नहीं होता, वो छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद ही। अब क्या कर सकते हैं, जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हम क्या कर सकते हैं। और खासकर जैसे फोर्थ स्टेज होती है कैंसर की, तो पहले मैं सोचता था कि कैंसर की कोई भी स्टेज हम ठीक कर लेंगे, पर ना वो उठ सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो खा सकता है, तो क्या कर सकते हैं। राइट। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ बस यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब उस समय मैंने फिर बाद में रियलाइज किया कि यार वहां पर एफर्ट, और फिर उसको घर वाले भी अगर सपोर्ट करते हैं, वो 15-20 दिन सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद वो थोड़ी कि लगे रहेंगे उनकी जगह पर 24 घंटे बताते रहेंगे ये करो वो करो। तो अगर पेशेंट्स, तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के थोड़ा सा उनको पुश मिल जाए, उसके बाद वो चल पड़ते हैं, और कुछ पेशेंट नहीं चलते, वो घर वालों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसके लिए तो होता है ना कि एक लाइफ को सिर्फ चालू रखने के लिए दूसरी लाइफ खराब हो जाती है। राइट। ठीक है सर, ये मैं आपको अपडेट देता हूँ इनका, ये हाँ, इनका कराओ, इनका कराओ, 15 डेज तक करने के लिए बोला फादर का ना, और सिस्टर हाँ, का भी जो है उसको भी, उनको भी कराओ, उनका भी पता चल जाएगा कि रात का उठना जो है ना बीच में वो तो बंद होना चाहिए, इसका मतलब है कि ओवर हाइड्रेटेड ही है मोस्ट लाइकली, और साथ में वॉक एंड रेस्ट भी कर ले, तो अगर जो भी होगा उनका ब्लड सप्लाई ठीक होती ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ। ओके, थैंक यू।